नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे सेटेलाइट बॉस, जो कि गमराज और इंस्पेक्टर स्टील के कॉमिक्स है, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और नाक को बंद करने का काम ये चिमटी करेगी। अब ठीक है, अब ये बदबू मुझे परेशान नहीं करेगी। वैसे इस चिमटी से मुझे अपनी नाक इसलिए बंद करनी पड़ रही है क्योंकि मुझे अपने दोनों हाथ भी खाली चाहिए इन दोनों की धुनाई करने के लिए। ये तो हम दोनों पर भारी पड़ रहा है, इस तरह तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए मुझे अपना वो हथियार इस्तेमाल करना होगा जिसे मैं खुलेआम इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, और उसके लिए मुझे अपने कपड़ों में से ये बैटरी चलित मिनी टीवी बाहर निकालना होगा और इसे ऑन करना होगा। खट, मिनी टीवी जैसे ही ऑन हुआ वैसे ही गमराज को लगा जैसे उसके दिलो दिमाग के सारे फ्यूज ऑफ होने वाले हैं। छिंका आ गया। अब छिंका उसे देख लेगा। आ, हम अपना काम करते हैं, जाते कहां हो? मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। अच्छी औ, अगले पल गमराज से उनका पीछा छूट गया क्योंकि छिंका की चीक ने गमराज को ऐसे उड़ा दिया जैसे तिनका उड़ता है। भड़ाक, और इससे पहले कि गमराज संभलता, अच्छी छिंका फिर छिंका और गमराज की हड्डियां फिर कीर्तन कर उठी। भड़ाक, आ, ये तो हाथों पैरों से नहीं छींक से मार डालने पर उतारू है। इससे तो अब एक ही बंदा टकरा सकता है। यमुंडा, आदेश स्वामी, इसके जबरदस्त टक्कर जड़, वरना तेरे स्वामी की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। एज यू लाइक स्वामी, एक बड़ी गाड़ी बनकर आगे बढ़ा यमुंडा। लेकिन छिंका के छींकते ही वो भी सूखे पत्ते की तरह उड़ गया। अच्छी यमुंडा, लेकिन यमुंडा कहां हार माने वाला था, वो पहले से भी बड़ी गाड़ी बन गया। लेकिन उड़ा यमुंडा ही। अच्छी ओह, वो स्वामी, सॉरी यमुंडा, मुझे नहीं मालूम था दूसरी बार भी वो तुझे उड़ा देगा। अब मैं तुझे कोई आदेश नहीं दूंगा, खुद ही इससे भिड़ूंगा। ओह, मेरी दशा देखकर तो स्वामी गमगीन हो गए। ऐसे में अगर इनके हाथ पांव टूट गए तो मैं यमदेव और उनके वाहन यानी अपने डैडी को क्या मुंह दिखाऊंगा। अच्छी ओह यमुंडा, तू मुझे बचाने मत आ, तुझे चोट लग जाएगी। मेरे ख्याल से स्वामी, ये इमोशन में डूबने का नहीं बल्कि कुछ दिमाग से सोचने का समय है। इसकी चीखों के प्रहार ने मेरा दिमाग भी सुन कर दिया है यमुंडा, फिर भी सोचता हूं कोई उपाय। सोच लिया क्या? तुझे एक दो मुहा हाई स्पीड रॉकेट बनना होगा यमुंडा, और फिर जो मैं तुझे बताऊं वो करना होगा, और वो भी उसके छींक पाने से पहले। मैं तैयार हूं, बताइए क्या करना है, गमराज ने बताया। दूसरे क्षण यमुंडा एक स्पेशल हाई स्पीड रॉकेट में बदल गया, और जैसे ही छीका ने फिर छींक मारनी चाहिए वैसे ही गुप गुप छींक आने से पहले ही यमुंडा उसकी नाक के दोनों छेदों में घुसकर उन्हें बंद कर चुका था। अब छीका का यह अंजाम होना ही था। भजाक, यमुंडा को गले लगा लिया गमराज ने। ओह यमुंडा, तेरी मदद से मैं इसे समाप्त करने में सफल हो गया। अब तू यहीं ठहर, मैं उन्हें देखता हूं जिन्होंने इसे टीवी से बाहर निकाला था। गमराज तेजी से संकालों के घर की तरफ भागा, लेकिन अब वहां कुछ नहीं था। ओह, वे यहां से टीवी ले गए। हाँ गमराज भैया, हमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह हमारी धुनाई भी कर गए। हाय, मैं मर गई। तुम्हें तो कुछ नहीं होगा भाभी, लेकिन अगर तुम तुरंत ही संकालों के ऊपर से नहीं उठी तो बेचारा जरूर मर जाएगा। जान बचाने का धन्यवाद गुरु, काश
वो टीवी ले जाने वाले मिल जाए तो कमबख्तों को मार मार कर उल्लू बना दूंगा। धुनाई अलग से कर गए और इस मोटी मेरा मतलब मेरी भाग्यवान को भी मेरे ऊपर धकेल गए। तू चिंता मत कर संकालू, वे हमसे ज्यादा देर तक नहीं बचने वाले। वो कहीं भी छिप जाए मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा, क्योंकि इनके टीवी बहुत ही खतरनाक हैं। वे जरूर उनसे कोई बड़ी वारदात करेंगे। सोच तो वे ऐसा ही कुछ रहे थे। हम बड़ी मुश्किल से बचकर निकल पाए हैं। गमराज नाम के उस लड़के ने तो बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। उसमें सारी कमी हमारे इन मददगारों की है जो टीवी से निकलकर हमारी मदद को आते हैं। कमबख्त सिर्फ बचाव करना जानते हैं, वार करना तो उन्हें आता ही नहीं। सही कहा, अगर हमारे मददगार बचाव के साथ साथ वार भी करें तो छींका यूं आसानी से गमराज के हाथों खत्म नहीं होता। उसके शरीर में तो इतनी ताकत थी कि वो अपने वार से बड़े बड़े को खत्म कर सकता था। अगर हम अपने मददगारों को वार करने की कला भी सिखा दें तो कैसा रहेगा? फिर तो कमाल हो जाएगा। फिर हम उनसे छोटी मोटी चोरियां नहीं करवाएंगे बल्कि बड़े बड़े डाके डलवाएंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? क्यों नहीं होगा? मैं टीवी की दुनिया का नंबर वन मैकेनिक इस काम को चुटकियों में कर सकता हूं। बस उसके लिए मुझे अपने बनाए टीवी में थोड़े फेरबदल करने होंगे। फिर हमें अपने इस अड्डे से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। संकालू और गमराज भी उसी अड्डी पर पहुंचने की तैयारी कर रहे थे। मैंने पता लगा लिया है संकालू, आकाकाई कंपनी का हेड ऑफिस राजनगर में है। वे अनोखे टीवी राजनगर से ही यहाँ सप्लाई किए गए थे। ओह, फिर तो जल्दी से राजनगर चलो गुरु, उन बदमाशों की भुजिया तलने के लिए मेरे हाथ बुरी तरह मचल रहे हैं। यमुंडा, एक शानदार कार बनकर आ, जिस पर बैठकर हम जल्दी ही पहुंच सकें। आ गया स्वामी। राजनगर, भड़ाक, आ, ओह, अपनी जान बचानी है तो भागो सेटेलाइट बॉस। अबे अड़ंगे, ये क्या मुसीबत खड़ी कर दी तूने? मैं तो तुम्हारी तरह अपने स्पेशल टेलीविजनों में एक छोटा सा सर्किट लगाकर टेस्ट कर रहा था कि हमारे मददगार किसी पर हमला भी कर सकते हैं या नहीं। मेरा टेस्ट सफल हो गया, वे हमला कर सकते हैं। अबे ऐसा करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कमबख्त, क्योंकि ये तो हम पर ही हमला कर रहे हैं। सॉरी बॉस, गलती हो गई, मैं जल्दी इस गड़बड़ी को ठीक कर लूंगा। अगर इसके इसके हमले से जिंदा बच गए तो इसकी उम्मीद मत रख। इसके खतरनाक हमलों से हम हरगिज नहीं बच सकते। ये किसी भी घड़ी हमें मौत के घाट उतार सकता है। आई, आओ, आ, वो घड़ी आ चुकी है बॉस। हाँ अड़ंगे, अब हमारा बचना मुश्किल है सचमुच। लेकिन अचानक उस घड़ी के बीच में आ गई वो फौलाद की दीवार। इंस्पेक्टर स्टील, रुक जाओ, तुम गिरफ्तार किए जाते हो। पांच की उस मशीन से निकले वे सब बड़े बड़े अपराधियों के तिरपन कंपा देते थे। लेकिन उस अपराधी के कानों पर जू भी ना रहेंगी। वो तेजी से आगे बढ़ा और फौलाद की उस दीवार से जा टकराया। भड़ाक, एक बार फिर वो अपने लक्ष्य के सामने था और उस लक्ष्य को भेदने ही वाला था। फर्ज की उस मशीन की आंखों के सामने वो उन दोनों को मार डालेगा। मुझे उसे रोकना होगा। रुक जाओ, स्टील चेतावनी भरे स्वर में चिल्लाया। लेकिन उसके कदम जरा भी नहीं ठिठके। वो उन दोनों को मार ही देने वाला है। ऐसे में मैं उन्हें बचाने खुद नहीं जा सकता। उन्हें बचाने के लिए अब मैं एक ही काम कर सकता हूं, अपने मेगा गन का इस्तेमाल। बड़ूं बड़ूं, और इंस्पेक्टर स्टील से छुटे मेगा गन से मिसाइल जा करके उस आक्रमणकारी को जा लगे और वो हवा में ही विलीन हो गया। ये कौन था, कहां से आया था और तुम्हारे पीछे क्यों लगा था? इस बारे में हमें कुछ नहीं मालूम इंस्पेक्टर साहब, हम तो बिल्कुल सीधे साधे आदमी हैं।
हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी अकाकाई नामक टीवी कंपनी बनाने बनाने की छोटी सी फैक्ट्री है। हम टीवी बनाकर बेचते हैं, लेकिन इस किलर का तुम्हारे पीछे लगे होने का कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा। बिना कारण भला कोई किसी के पीछे क्यों लगेगा? इंस्पेक्टर स्टील तो पीछे ही लग गया। इस तरह पूछताछ करके तो ये सारी सच्चाई जान जाएगा। इसे कोई ना कोई बहाना बनाकर टरकाना होगा। इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है इंस्पेक्टर साहब। कोई हमें और हमारी फैक्ट्री को बर्बाद करना चाहता है। उसी ने इस किलर को हमारे पीछे लगवाया है। कौन है वो? हम उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जैसे ही पता चलेगा वैसे ही हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये मेरा नंबर रख लो। जैसे ही तुम्हें उस अपराधी का पता चले वैसे ही मुझे फोन करना, मैं तुम्हारी मदद करने पहुंच जाऊंगा। जान बची उस मुसीबत से और इंस्पेक्टर स्टील से भी। फायदा उठा इसका और वापस लौटकर मेरे साथ अपने सारे मैकेनिकल दिमाग का इस्तेमाल करके इसका इंतजाम कर कि हमारे मददगार हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर हमला करे। वापस लौटने पर दोनों उसी काम में लग गए और जल्दी उसमें कामयाब भी हुए। अब सब ठीक हो जाएगा बॉस। अब हमारे मददगार हमारे हुक्म का पालन करेंगे और हमारे दुश्मन को मटियामेट करेंगे। हाँ आड़ेंगे, अब हमें क्या डर है? अब तो हम खुलेआम चोरियां करेंगे और बड़े बड़े बैंक में डाके डालेंगे। धार आ सपना अच्छा है, लेकिन पूरा नहीं होगा। मेरे होते राज, तू यहां राजनगर में? तेरी खोज में अगर मुझे सात समुंदर पार भी जाना पड़ता तो जाता, ये तो सिर्फ राजनगर है। आ बचाओ बॉस, इन शैतानों से हम नहीं निपट सकते अड़ंगे। कोई टीवी ऑन कर ताकि उसमें से निकलकर हमारा कोई मददगार हमारी मदद को आ सके। आ ये टीवी कैसे ऑन कर पाएगा? मैं रिमोट इसके हाथ में नहीं रहने दूंगा। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना। ओके।